मैं आपको अभी यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन उसका दे दूँ। सबसे पहले जब ओलेप यहाँ पे हमारे ओपीपी में, जिसको हम ओलेप प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं, वहाँ पे आता है, तो पहला जो काम होता है वो स्टार्ट होता है स्केलिंग से। वो स्केल करके, क्योंकि उसका वज़न करके, फिर हम उसको ले आते हैं इस मशीन पे। इस मशीन को कहते हैं सॉर्टिंग टेबल। सॉर्टिंग टेबल जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये चुनने के लिए हैं, हम उस पर डालते हैं, ये मोटर चलती है और ये चलने लगता है, ये पर्दा जो है ये चलने लगता है। तो जो भी ख़राब हो या कोई इस तरह का ओलिव जो जैतून हो जो ख़राब हो या उसमें कोई इस तरह की चीज़ हो, वो इस टेबल पे हम चुन करके सारा ये साफ़ करके फिर उसको हम ले आते हैं इस मशीन पे। इसको जिस तरह ये नाम लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ओलिव ग्रेडिंग यूनिट। ओलिव होता है वो बड़ा छोटा और मुख्तलिफ साइज़ों में आता है। तो हम इसको यहाँ से डाल के तो ये चलने लगती है, जिस तरह आपने ये खाने बने हुए देखे हैं। इसमें हर किस्म का खाना है, जो बड़ा होता है सबसे बड़ा वो इसमें आता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद, तो ये आखिर तक मुख्तलिफ साइज़ के ओलिव हमारे पास, जैतून जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो इससे हम फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने अचार के लिए कौन सा मुंतखब करना है और हमने तेल के लिए कौन सा बनाना है। आप इस कमरे में कुछ चीज़ें देख रहे हैं, सबसे पहले ये ड्रम आप देख रहे हैं, तो इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन प्रोसेसिंग टैंक। तो ये हम उसमें अचार को रखते हैं, ये 40 दिन तक ये सारा अचार का प्रोसेस है, जिसमें दो किस्म के हमारे पास आ जाते हैं, एक सिरका का अचार होता है और एक सादा सॉल्यूशन का अचार होता है जो नमक का होता है। तो ये दो किस्म के अचार हम यहाँ पे बनाते हैं। ये मशीन जो अभी देख रहे हैं ये सारा, इसको हम कहते हैं टेबल ओलिव मशीन। जिस तरह नाम से जाहिर है, टेबल ओलिव का मतलब जो मेज़ पर जो आपका जैतून पड़ा होता है वो इस मशीन से निकलता है। इसमें पहले हम जो वहाँ से ग्रेडिंग करके आ जाते हैं इसमें डाल के, तो ये चलनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे उसको ले आते हैं जैतून को। ये जो सेक्शन है ये सबसे अहम है, जिसको हम डिस्टोनिंग सेक्शन कहते हैं। डिस्टोन से, जिस तरह स्टोन आपको कहते हैं, जो इसके अंदर जो गिल्ली होती है जैतून के अंदर, वो उसको अलग करती है। इस सेक्शन पे आ जाते हैं, फिर वही चीज़ हम वो उठा लेते हैं और हम इस सेक्शन में डाल लेते हैं। इस सेक्शन से फिर यहाँ पे सफाई उसकी हो जाती है, फिर यहाँ पे आ जाता है इस के थ्रू, ये सीढ़ियों के थ्रू ये ऊपर आता है और फिर आखिर में ये चीज़ हम यहाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ से अभी जैतून का जो जिसका वो अंदर का हिस्सा है वो फिर हम इस सेक्शन में डाल लेते हैं, और इसमें हमारे पास हम उसको जो छोटे साइज़ में काटते हैं या बड़े साइज़ में काटना होता है, तो वो सारा इसके थ्रू होके वो फिर बाहर निकलता है। जिस तरह मैंने आपको पिज़्ज़ा की मिसाल ली कि उसमें आप बड़ा काटते हैं या छोटा काटते हैं, वो आपकी इसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्केल होते हैं, उस पर करके उस मीटर को सेट करके, तो ये सारा कुछ इसी पे होता है। तो ये हमारा सारा एक सेक्शन होता है। ये हमारे पास दो मशीनें आपने देखी, एक टेबल ओलिव की मशीन और एक है ऑयल प्रोसेसिंग की मशीन। तो हमारा जो ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट तेमरगरा है, इसमें हम दो किस्म की चीज़ें तैयार करते हैं। एक हम तैयार करते हैं ओलिव ऑयल और दूसरा हम तैयार करते हैं टेबल ओलिव ऑयल।